कपूर खान ने अपने पहले बेटे तैमूर के जन्म के बाद एक इंटरव्यू में एक बड़ा राज खोला था, जिससे हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, करीना दूसरे बेटे की मां बन चुकी हैं। करीना के दूसरे बेटे का जन्म हो चुका है, तैमूर बड़े भैया बन चुके हैं, सैफ के घर उनका तीसरा वारिस आ चुका है। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम के बाद तैमूर और अब एक और भाई आ गया है इस भाइयों की लिस्ट में, वो है करीना सैफ का दूसरा बच्चा। अब करीना ने ऑपरेशन से अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया है, जिसके कारण महीनों उन्हें नॉर्मल होने में समय लगेगा, नॉर्मल तरीके से उन्हें डील करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस भी लेने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अपने बेटे को लेकर कितनी घबराई रहती है करीना। करीना ने तैमूर के जन्म के बाद, डिलीवरी के बाद डॉक्टर से पूछा, व्हेन आई डिलीवर्ड तैमूर आई आस्क्ड द डॉक्टर हाउ डू आई प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम डिजीजेस। दरअसल डॉक्टरों से करीना को इस बात की चिंता थी और उन्हें सवाल करना था कि करीना अपने बच्चे को बीमारियों से कैसे बचाएं, और ये बात उन्होंने पूछा था। चाइल्ड हेल्थ केयर और इम्यूनाइजेशन को लेकर अवेयरनेस करीना कपूर खान क्रिएट करती आई हैं हमेशा से, और वो डरी हुई भी थी। करीना ने यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट के तौर पर ये कहा, दिस मदर्स डे आई वॉन्ट टू मेक अ प्लेस टू कीप ऑल द चिल्ड्रन अलाइव। एवरी चाइल्ड wherever in whatever condition they are born they should stay alive and that is whether the UNICEF every child alive campaign comes। जी हाँ, ऐसा कहकर करीना कपूर खान ने ऐलान किया था चिल्ड्रंस के हेल्थ इम्यूनाइजेशन को लेकर वो काम करेंगी और यंग मदर्स को लेकर स्पेशली। करीना ने ये भी कहा, एक फिल्म एक्टर होने के अलावा, एक रेडियो जॉकी होने के अलावा वो बहुत ज़्यादा प्राउड है खुद पर, पावर है ये मेरा। और ऐसा कहना था कि रेडियो जॉकी के ज़रिए अपनी आवाज़ को वो बुलंद करते हुए सबको सुनाना चाहती हैं माँ होने का किस्सा, जो काफ़ी खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि अपने डॉक्टर से वो हमेशा पूछती रही डिलीवरी के बाद बच्चों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है। इस पर उनका कहना था कि दिल से सुनो और अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान दो। तो करीना ने यूनिसेफ के एडवोकेट बनने के बाद, चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिसेफ एडवोकेट बनने के बाद फैसला लिया कि वो अपनी प्रेगनेंसी के साथ अपने सभी फैंस, महिलाओं फैंस को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहती हैं और उन्हें हमेशा ही अलर्ट करना चाहती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।